नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे व्हाट आर ब्लू चिप स्टॉक, अर्थात ब्लू चिप स्टॉक क्या होता है, ब्लू चिप स्टॉक किन स्टॉक को बोलते हैं, ब्लू चिप स्टॉक की हिस्ट्री क्या है, क्या क्या क्वालिटी होती है ब्लू चिप स्टॉक की, ये सारे इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ आखिरी तक। सब्सक्राइब करें शेयर बाजार चैनल को और बेल बटन दबाए लेटेस्ट शेयर मार्केट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ब्लू चिप स्टॉक उनको बोलते हैं जो लार्ज कैप में आते हैं, जो वेल स्टेब्लिश होते हैं और फिनेंशियली स्ट्रांग होते हैं और जो बहुत सालों से ऑपरेट करती हैं। ब्लू चिप स्टॉक का मार्केट कैप बहुत अच्छा होता है और ब्लू चिप स्टॉक अपने फील्ड में लीडर होती हैं। अब हम उन चार पॉइंट्स को देखेंगे जो ब्लू चिप स्टॉक में होती हैं। पहला है वेल स्टेब्लिशमेंट, कंपनी वेल स्टेब्लिश होती है। दूसरा है फिनेंशियली स्ट्रांग, फिनेंशियली स्ट्रांग कंपनी ही इसमें आती हैं। और तीसरा है गुड मार्केट कैपिटलाइजेशन, और चौथा और आखिरी है मार्केट लीडर, कंपनी अपने फील्ड में मार्केट लीडर होती हैं। ये है डेफिनेशन ब्लू चिप स्टॉक का। अब हम ब्लू चिप स्टॉक की हिस्ट्री देखेंगे। 1920 में पोकर गेम में सबसे अच्छा पोकर चिप माना जाता था ब्लू चिप, और यूएसए में एक न्यूज कंपनी थी जिसका नाम था डाउजोन, वहाँ पर ओलिवर काम करते थे और 1923 में उन्होंने फर्स्ट टाइम ब्लू चिप वर्ड का नाम लिया था, तभी से ब्लू चिप वर्ड पॉपुलर और फेमस हो गया। अब हम देखेंगे क्वालिटी ऑफ ब्लू चिप स्टॉक। सर्वप्रथम जो क्वालिटी है वो है कंसिस्टेंसी। ये सब कंपनी स्लो बट कंसिस्टेंट रिटर्न देती है, मतलब आप यहाँ लगातार रिटर्न पा सकते हैं। फिर है स्टेबिलिटी, मतलब इस शेयर के प्राइस सडनली अप या डाउन नहीं होते, मतलब अचानक से ऊपर भी नहीं जाते और नीचे भी नहीं आते। थर्ड है डिविडेंड, ये सारी कंपनी अपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती है एज ए डिविडेंड। अगला है लिक्विडिटी, बहुत सारे बायर या सेलर इस स्टॉक में अवेलेबल होते हैं, तो आपको जब भी इच्छा हो इस शेयर को बाई या सेल कर सकते हैं। इन सब कंपनीज का फिनेंशियल बैकअप भी बहुत अच्छा होता है, तो जब भी बियर मार्केट आता है यह कंपनी खराब टाइम में अपने फिनेंशियल बैकअप का यूज करके अपने आप को मैनेज करती है। ब्लू चिप इन्वेस्ट सेफ होता है, अर्थात ज़्यादा रिस्क नहीं होता, लेकिन कम टाइम में ज़्यादा रिटर्न आप नहीं पा सकते हैं, क्योंकि ये सब स्टॉक तेजी से ऊपर या नीचे नहीं जाते हैं। अब हम कुछ स्टॉक के नाम देखते हैं जो ब्लू चिप स्टॉक में आते हैं। एक है टाटा कंसल्टेंसी और एशियन पेंट, HDFC, ITC, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, ये सब शेयर इस समय ब्लू चिप स्टॉक की लिस्ट में आते हैं। अब मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट सेफ है, लेकिन जो शेयर आज ब्लू चिप लिस्ट में है भविष्य में वो ब्लू चिप लिस्ट में रहेगी कि नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए बीच बीच में चेक करना पड़ेगा कि अभी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, यह देख के ही डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और इसी तरह के ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियोस आगे पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल sharebazaar.com को। अगर आप शेयर मार्केट संबंधित ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो टाइप कीजिए शेयर बाजार और व्हाट्सएप करें 9670437425 पर। गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।